जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई साहब। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए साथियों, हम लोग अभी अयोध्या के अयोध्या कैंट में पहुंच चुके हैं। अंबिकापुर से सीधे अयोध्या हमारी आस्था स्पेशल ट्रेन में हमारी समस्त भक्त जन यहाँ पहुँच चुके हैं और जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए एकदम खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं। आइए हमारे लखनपुर मंडल से आपको मिलाते हैं। जय जय श्री राम। इधर पूरे जय जय श्री राम। आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या कैंट में पहुंच चुके हैं। जय श्री राम। खुश नजर आ रहे हैं पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। इधर आइए, इधर आइए बाबा जी। भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि स्थल स्थल में पहुंच चुके हैं समस्त भक्तजन हमारे सरगुजा से। और ये देख सकते हैं 1346 लोगों का पहला जत्था छत्तीसगढ़ शासन के माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में ये लगाते हुए सब राम भक्त जो है खुश नजर आ रहे हैं। और इस तरह से आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये है आस्था स्पेशल ट्रेन। ये देखिए अंबिकापुर टू जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनका फोटो खींचो। हमारे तिवारी साहब भी पहुंच चुके हैं उदयपुर मंडल से। जय जय श्री राम। अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं राम भक्त हमारे अयोध्या कैंट में। जय जय चंद्रबाबू यादव जी, हमारे महामंत्री उदयपुर का मंडल महामंत्री पहुंच चुके हैं। भैया जी हमारे साथ है लखनपुर से। मैं तो अयोध्या आया हूं। और पूरे लखनपुर उदयपुर अंबिकापुर मंडल के समस्त भैया जी आपका। मेरे नाम लालजीत पैगला है, लखनपुर मंडल उपाध्यक्ष जी। कैसे लग रहा है भैया जी अयोध्या पहुंच करके? अभी आनंद आ रहा है, एक राम प्रभु का छत्तीसगढ़ शासन बना है और हम लोग को यहाँ अयोध्या रामलला के दर्शन करवाने के लिए यहाँ भेजे हैं। हम लोग बहुत खुश है। वाह वाह। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसको श्रेय हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार को और विष्णुदेव साई को, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मोदी जी का गारंटी पूरा हुआ। हाँ, मोदी जी का गारंटी पूरा हुआ। 100% गारंटी पूरा हुआ। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ जय जय श्री राम। उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जी जी जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए मैं आप लोगों को अब मिलाता हूँ अयोध्या कैंट में। हमारे लखनपुर मंडल से पहुँचे हुए हैं आदरणीय बड़े भैया जी लोग। हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। मैं लखनपुर से दिनेश पारी जी, मंडल मंत्री जी, अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर क्षेत्र के हैं हम लोग। 6 मार्च को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हुए हैं। हमारे रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण काफी हर्षोल्लास के साथ और काफी धार्मिक आस्था को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। इस यात्रा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ ही क्षणों के उपरांत हम लोग अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचकर श्री राम जी का दर्शन करेंगे। अब कल विगत 7 को पूरे दिन वहां रहेंगे अयोध्या नगरी। वहां भी कई जगह फोटो